ऑफिस में जा, ऑफिस टीवी नाइन ना आज अर्ली मॉर्निंग में सवेरे ना एक महिला पुलिस बांगुर नगर पुलिस स्टेशन से एक पुलिस फीमेल पुलिस एक महिला को लेके आई थी सवेरे 5:30 बजे के आसपास में, तो उनको तपास के लिए लेके आई थी। तो जो महिला आई थी वो बहुत एग्रेसिव थी। उसने हमारे जो ऑन ड्यूटी जो स्टाफ थे नर्सेस क्लास 4 सिक्योरिटी और जो पुलिस थे उनके ऊपर भी उसने हल्ला बोल दिया, तो इसकी वजह से ये सब हो गया। ऐसा उन्होंने हिस्ट्री दिया है लेकिन हमने अल्कोहल उनका जांच ले लिया है तो मालूम पड़ जाएगा बाद में, क्योंकि वो बहुत पेशेंट एग्रेसिव थी, बहुत एग्रेसिव थी, एरोगेंट थी, बहुत कंट्रोल के बाहर थी। पुलिस आए फिर भी कंट्रोल नहीं हुआ, फिर बाद में उसको साइकेट्रिक रेफरेंस ले लिया, फिर उसको इंजेक्शन दे दिया गया जो कम बेहे करते ना, थोड़ा हल्का सा बेहोशी के लिए, बेहोशी के लिए इंजेक्शन दे दिया, फिर वो थोड़ा कंट्रोल में आई और उनको ऑब्जर्वेशन के लिए रख दिया। बाद में उनको बड़े अस्पताल में हम लोग भेजने वाले थे। सर डॉक्टरों को क्या कितनी चोट आई है? डॉक्टरों को चोट नहीं है, सिस्टर दो एक सिस्टर थी ना उसका, उसने ये गर्दन दबा दी थी, गर्दन दबाई थी, तोड़ फोड़ थोड़ा सा किया है, ज़्यादा हुआ नहीं है, वो अकेली औरत थी। उसको घटना के बाद कुछ डॉक्टर से स्ट्राइक पे, सिस्टर स्ट्राइक पे नहीं, थोड़ी देर उन्होंने ऐसा काम बंद लायक स्थिति उत्पन्न की थी, बोले हमें सिक्योरिटी चाहिए, तो बाद में हमने उनसे मीटिंग ले, हमारे वरिष्ठ भी आ गए डॉक्टर वाडेकर और यहाँ के सीनियर पीआई, और सिचुएशन अभी कंट्रोल में रहा है, अभी सब सर्विसेज चालू की है। सर उपचार के लिए क्या उनको भर्ती कर दिया गया? हाँ अभी क्या थी, बहुत एरोगेंट ये थी ना, एग्रेसिव थी ना, राउडी थी, तो उनको हल्का सा बेहोशी के लिए देते, नहीं तो और तो करती थी, तकलीफ दे देती। नहीं इंजर्ड में दम गर्दन दबाया था, उनको एडमिट किया है दो जना ऑब्जर्वेशन के लिए, हल्का सा हाथापाई हो गई है, हाथापाई, बाकी कुछ बड़ा एक कुछ है। रात में एक महिला ने डॉक्टर के ऊपर कुछ असॉल्ट किया ऐसा मैटर आया है, उसके बारे में हमने डॉक्टर्स का एफआईआर लिया हुआ है और कार्रवाई आगे की शुरू है। उपचारा दरम्यान हल्ला केल्याबद्दलची एक तक्रार आमच्याकडे आलेली आहे, ती तक्रारची आम्ही एफआयआर घेतलेली आहे आणि कारवाई सुरू झालेली आहे। और खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए एनएम न्यूज, बेल आइकन दबाकर रहिए सबसे आगे।